हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वागत करता हूँ दोस्तों फिर से और एक नई वीडियो पे। तो गाइस, आज का ब्लॉग जो है मेरा यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो ये देख सकते हैं छोटा सा नाला। तो एक्चुअली ये नाला से जो भैया लोग पानी पिया करते हैं एंड और बता दूं गाइस, मैं जो है भैया के खेत में आ चुका हूँ। तो भैया को जो है धान काटने के लिए मदद करना है, धान पक चुके हैं। तो उसके लिए जो है मैं पूरा कपड़े सपड़े लेके आया हूँ और कुछ दिन तक मुझे यहाँ पर बैठना होगा जब तक धान जो है काटिंग ख़त्म हो ना जाए। तो भैया को मदद करते रहना है गाइस। तो एक्चुअली हमारे खेत जो है वहाँ पे अलग से करते हैं पापा और भैया जो है ये अलग से करते हैं। तो जगह ये जो ज़मीन जो है थोड़ा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है, तो हमें बाइक से आना पड़ा और बाइक जो है ये पार नहीं हो सकता। तो वहाँ पे घर भी है, तो वहाँ पे मैंने बाइक को सुर के आया और ये थोड़ा डाउन है, स्लोपिंग डाउन है और ये देख सकते हैं रास्ता बिल्कुल ऐसे ही है गाइस। आसपास में जो है एकदम केले का बागान, जंगली केले। तो गाइस, मैं जो है काम करके ये जंगल में जो है सब्जी ढूंढ ढूंढ के जो है लेके जाऊंगा जाते समय। अभी नहीं, जब जाऊंगा तब मैं, लेकिन जब तक यहाँ पे रहूँगा मैं सब्जियाँ जो है यहाँ पे ढूंढ के खाऊंगा अकेले नहीं, भैया के साथ जो है धान काटिंग होने के बाद। और सुबह शाम को जो है ये धान काटिंग करेंगे, उसके बाद जो है जो दिन को थोड़ा रेस्ट मिलता है खाना खाने के बाद, तो उसमें जो है हम यहाँ पे थोड़ा जंगल घूम के आएंगे। तो गाइस, मैं जो है काफ़ी देर पहले पहुँच चुका हूँ एंड रेस्ट करके अभी जो है लंच भी शुरू हो गया। तो लंच का ये देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, तो सब्जियाँ यही है, बेम्बू सूट एंड ये तो साग है और ये चटनी। तो गाइस, फिलहाल मैं जो अपना लंच कर लेता हूँ, उसके बाद जो है थोड़ा रेस्ट करके धान के खेत में जाएंगे और दिखाएंगे ना। सो गाइस, लांच तो कर चुके हैं। अभी लांच करने के बाद मैं जो है अभी खेत में जा रहा हूँ धान काटने के लिए। और भैया जो है वो पहुँच चुके हैं हमसे पहले, क्योंकि वो बाइसाइकिल लेके गया है और यहाँ से थोड़ा दूर है, तो मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए गाड़ी का रास्ता भी है, गाड़ी जाने वाला, तो बिल्कुल मुझे जो है ये रास्ते रास्ते जाना होगा और लेकिन पहुँचने में थोड़ा देर लगेगा हमको। तो गाइस, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ भैया की धान की खेत में और काफ़ी गर्म है गाइस, बहुत ही गर्म है। और मैं दिखाता हूँ धान की खेत, ये देखिए गाइस। और साइड में जो है थोड़ा जंगल जंगल भी हो गया और भैया यहाँ पे हमसे आ गया, आके पूरा रेस्ट कर रही है। ये देखिए धान की खेत। धान काटते समय जो है कोई भी वीडियो करने नहीं होगा, तो इसलिए मैं जो है एक स्टैंड बना लूँगा यहाँ पे, छोटा छोटा जो पेड़ है ना, पेड़ पौधा है, वहाँ से जो है मैं काट के एक लकड़ी काट के ये स्टैंड बना लूँगा और थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँगा। बता दूं गाइस, मुझे जो है एक्चुअली अभी तक ठीक से धान काटना नहीं आता है, ये भी कह सकते हैं अभी सीख रहा हूँ मैं धीरे धीरे लेकिन अभी जो ये सीखने का टाइम नहीं है, अभी करने का टाइम है, तो करते करते जो है हम सीख जाएंगे। अच्छा लग रहा है, मैं जो है थोड़ा काटने में थोड़ा स्लो हूँ, भैया लोगों तो वो लोग तो एक्सपर्ट है काटने में, थोड़ा स्पीड काट सकते हैं हमसे ज़्यादा, मैं थोड़ा स्लो हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो गाइस, फिर धान काटने के बाद मैं जो है ये सामने वाला जंगल से कुछ सब्जियां जो है ढूंढ के लेके जाऊंगा शाम को डिनर में खाने के लिए। तो ऐसा ही चलते रहते हैं हमारे जिंदगी गाइस।
थोड़ी खाम, थोड़ी मस्ती, थोड़ी हंसी। जो भी हो बहुत मस्त जिंदगी है। जय जवान जय किसान, हम लोग किसान हैं। बीस बीस में जरूर तो ठीक से पका नहीं है दाम। इसको ऐसे रखने से, खराब होके रखने से जल्दी सूख जाता है और कलेक्ट करने में जल्दी हो जाएगा। इसको बाद में जो है फिर एक जगह में जमा करना है, वो बाद में जो है ये सब कुछ कटिंग होगी और करना पड़ेगा वो प्रोसेस को, तो उसको भी मैं दिखाते रहूँगा गाइस। तो गाइस देख सकते हैं मेरा पेस में जो है पूरा स्वेट निकल आ चुके हैं, इतना गर्मी है गाइस, इतना गर्मी है। मैं जो है धान काटते काटते गाइस, तो ये देख के मुझे क्या मिल गया, पीछे जो है गोल्डन बेरीज मिल गया मुझे खाने के लिए। तो देखते ही जो है ये मुंह में पानी बोर आ जाता है इसको देखने से, एंड खा लेता हूँ फिलहाल, इतना मीठा है, बहुत ज़्यादा है। ये वाला साइड में काम भी हो रहा है, खाने के लिए पॉल भी मिल रहा है साथ में, बिल्कुल सम हो चुके हैं। एंड अभी जो है जाने का टाइम हो चुका है, तो मैं जो है अभी जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पे जो है मैं बनाना फ्लावर डिग गया, तो बनाना फ्लावर जितना भी है सब कुछ तोड़ के लेके जाऊँगा यहाँ से, अभी नया नया निकल रहा है उन सबको। जितना भी है सारे के सारे मैं तोड़ के लेके जाऊंगा। ये बैग जो है भैया ने लाया था, ये देखिए इसमें भी एक है। इसको फेंकना पड़ेगा क्योंकि ये इसमें दान है ना, इसको दूर में फेंक देता हूँ। बहुत ज्यादा मिले हैं गाइस एक जगह पे, तो ये वाला जो है हमको खाने मन हो रहा है। तो गाइस वो रहा भैया का घर, सता सा घर। तो आज रात को जो है मुझे यहाँ पे वो 20 वाला है भैया का, आज रात नहीं तो जब तक पूरा काम खत्म ना हो जाए तो यहाँ पे बैठना पड़ेगा मुझे और भैया को मदद करना पड़ेगा।
तो अभी जो है हम थोड़ा रेस्ट करके नहाएंगे गाइस। तो गाइस अभी जो है बिल्कुल रात हो चुका है एंड डिनर का टाइम भी हो चुका है, तो हम लोग जो अभी डिनर करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं क्या क्या सब्जियों के साथ आज हम लोग डिनर करने वाले हैं। तो ये रहा गाइस ये बेम्बू सूप के साथ जो है ये अचार बनाया ना बेम्बू सूप, तो उसके साथ जो ये कुछ मछलियाँ बनाया है और इसमें मैंने लाया जो पैदल हट फैन और इसमें चटनी और ये बेम्बू सूप फिर से और ये भी बनाना फ्लावर चटनी। तो गाइस बस इन सब्जियों के साथ आज हमारे ये डिनर होते हैं। एंड गाइस आज का वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, वीडियो का अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।